तरकुलहा देवी मंदिर परिसर में मेले में दुकान लगाने वाले व्यवसायियों ने बुधवार को अपनी मांगों को लेकर जिलाधिकारी कार्यालय के समक्ष विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान दुकानदारों ने अपनी मांगों को लेकर जमकर नारेबाजी की। मेले परिसर में दुकान लगाने वाले लोगों का कहना है कि जिस परिसर में वो अपनी दुकान लगाते हैं उस परिसर के मालिक द्वारा उन्हें निरंतर परेशान किया जाता है। मालिक के कुछ लोग उनसे अवैध वसूली करते हैं, जिसका विरोध करने पर उन्हें मारा पीटा व धमकाया जाता है। दुकानदारों ने डीएम को ज्ञापन प्रेषित कर अवैध वसूली करने वाले लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। धरने के दौरान गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए तरकुलहा देवी व्यवसाय मंडल वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष पवन चौहान ने कहा कि अगर मेला परिसर मालिक ने उनका उत्पीड़न बंद नहीं किया तो वो रोड पर आ जाएंगे। वहीं मेले परिसर के मालिक ने गोरखपुर न्यूज संवाददाता से टेलीफोनिक वार्ता में कहा कि उन पर लगाए गए आरोप निराधार हैं। वो अपनी जमीन पर हर वर्ष मेले का आयोजन करते हैं, जिससे कुछ दुकानदार अपना व्यवसाय करते हैं। परिसर की साफ सफाई व कर्मचारियों के अन्य खर्च के लिए उन दुकानदारों से कुछ निर्धारित राशि लिया जाता है। उन्होंने कहा कि इस निर्धारित राशि को लेकर एक मुकदमा कोर्ट में विचाराधीन है। ओम प्रकाश जायसवाल ने भी जिला प्रशासन से न्याय की गुहार लगाते हुए कहा कि मामले की पूरी जाँच कराई जाए, अगर वो दोषी पाए जाते हैं तो उन्हें दंड दिया जाए। गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए तरकुलहा देवी व्यवसाय मंडल वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष पवन चौहान और ओम प्रकाश जायसवाल ने कहा, तरकुलहा माई की, तरकुलहा माई की, दुकानदार एकता, दुकानदार एकता, दुकानदार एकता, रोटी के लिए जो है मर मिटेंगे, अत्याचार के खिलाफ हम लोग मरते दम तक लड़ाई लड़ते रहेंगे, अनुसार चलेंगे, कहीं भी आंदोलन करेंगे तो हम अपनी मांग रखेंगे। हम किसी मांगे पूरी करो, मांगे पूरी करो, मांगे पूरी करो, मांगे पूरी करो, मांगे पूरी करो। हम लोग तरकुलहा देवी मंदिर से आए हैं। वहाँ क्या करते हैं आप लोग? जी हम सारे लोग दुकानदार भाई हैं, दुकान करते हैं वहाँ आसपास। जी किस चीज का दुकान लगाते हैं? जी प्रसाद का है, फल का है, पूजा सामग्री है, कॉस्मेटिक का दुकान है, सारे लोगों का दुकान ही है। आप लोगों का पेट भर जीवन चलता है? जी इसी से हम लोग का जीवन यापन होता है, जो कि दुकानदारी ही करके हम लोग जो है अपना जीवन यापन करते हैं। तो कौन परेशान कर रहा है? जी हम लोगों को परेशान जो है ओम प्रकाश जायसवाल जो मेला मालिक हैं, जो कि जबरदस्ती वसूली करते हैं, अवैध वसूली करते हैं। उन्हीं की वजह से जो है कि लगभग 50 से 60 गुंडे जो है प्रतिदिन आगे जो धमकाते हैं, डरवाते हैं। और देखिए परसों के डेट में जो है ये काफ़ी बुरी तरीकों से जो है दुकानदारों को मारा गया है। कई लोगों का देखिए हाथ टूटा है, कई लोग जो है एडमिट हैं। क्यों इस तरह किया जा रहा है, क्या वजह है? वजह यही है कि अवैध वसूली, जो कि हर रोज जो है एक दुकानदार से 500 रुपये 480 रुपये वसूला जाता है अपनी, जो कि हम लोग जो है कि असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। वहाँ जो है जो उनके गुंडे हैं रोज जो है 400-500 वसूलते हैं प्रतिदिन, 15,000-16,000 महीना ले जाते थे। आज जो है कि वही दुकानदार जो है आगे जो है अपना न्यायालय में दाखिल किए, चूँकि ओम प्रकाश जायसवाल जो है अचानक जो है जो 15,000 महीना देता था उनका जो है 45,000 रुपया महीना कर दिया। हम दुकानदार गरीब हैं, कहाँ से दें, इतना पैसा कहाँ से लाएँ प्रतिदिन जो है। प्रशासन से क्या मांग कर रहे हैं? प्रशासन से मांग यही है हम लोगों का, चूँकि हम लोग का बात जो है न्यायालय में चल रहा है, प्रशासन से यही मांग है कि हम लोग को जो है वहाँ सुरक्षा दी जाए। पुलिस प्रशासन जो मिली भगत की वजह से जो कुछ लोग जो है रजतत्व जो लोग हैं वहाँ पनप रहे हैं, उनको ना पनपने दिया जाए। चले जाते हैं 3-4 दिन का ग्रेस पीरियड होता है, उसमें अपने दुकान पर रुक लेके चले जाते हैं, बाकी खाली समय में हमारे निजी उपयोग में आता है। अच्छा अब इस साल जो है उसमें नए पुराने लोग बदलते रहते हैं, मेला पुराना चल रहा है। हम ये मेला हमारे पास 1957 से है, पाद कोई की तरह नहीं, जिसमें सारा इंगित है कि क्या क्या है। पहले वहाँ कोई मंदिर नहीं था, पहले एक पिंडी थी, एक सर्कुल था, उसी पर पत्थर के पिंडी बने हुए थे। हमारे फादर ने उसको चारों तरफ से उसको मंदिर का स्वरूप दिया, क्योंकि हमको वहाँ बताना था थोड़ा और चीजों में थोड़ा रौनक लगे, मेला लगता ही है, तो उसको थोड़ा सुंदरीकरण किया गया, जिसकी वजह से वहाँ भीड़ लगने लगी। तो कुछ दो चार फूल बतासे वालों को हमने परमानेंट वहाँ कर दिया। परमानेंट का मतलब ये है कि जो अपने लोगों को कि भाई जो आते हैं दर्शनार्थी उनको आप फूल बतासा दिया करिए, सुख समाज को जाने लगे।
कुछ चाय पानी की दुकानें करा दी हो, तीर्थयात्रियों को दिक्कत न हो। बस यही तीन चार दुकानें वहाँ पर रहती भी थी और रह भी रही हैं, उनमें हमको कोई तकलीफ नहीं है और आज तक हमको कोई तकलीफ भी नहीं हुई थी। लेकिन तकलीफ जो भी वहाँ व्यापारी आते हैं, मेले में दुकान लगाते हैं, वो आज का भारी संख्या में कम से कम 100-150 लोग आज आते हैं, तो उनका कहना है कि मामला कोर्ट में चल रहा है और आपके गुंडे आते हैं उनकी जबरदस्ती 10,000। अगर आप बीच में बात जानना चाहेंगे तो जो आप प्रश्न पूछेंगे हम उसका सीधे सीधे जवाब दे देंगे। हमारे कोई गुंडे नहीं है, कोई गुंडे का वो नाम तो बताएं कि गुंडा ये है, कोई आदमी की नाम बताएं, वो कोर्ट में चल रहा है, वो ईडी शासक का चल रहा है, जो इस साल ही इन्होंने 3 मई को दाखिल किया है, 5 मई को, कि हमसे ज्यादा किराया लिया जा रहा है, इस पर कोर्ट हमको स्टे दे और सरकार इसका अधिग्रहण करे, यही मुद्दा है उनका, पॉइंटी पर तो उस पर भी तारीफ पड़ रही है। और पूछिए ये हम कहना चाहते हैं, जैसे उन्होंने जिला प्रशासन से कुछ मांग की है, क्या आप चरण कुमार? हाँ, राष्ट्रीयकरण हो जाए उसकी राष्ट्रीयकरण हो जाए, अध्यक्षी हो जाए, आप भी कुछ मांग करते हैं जिला प्रशासन से? न्याय की मांग, कि अगर मैं दोषी हूँ तो निश्चित रूप से गवर्नमेंट उसका अधिग्रहण कराए, मैं लिख के दे दूंगा। अगर मुझको हक है कि हम अपने खर्चे बच्चे के लिए, उस जमीनों की रक्षा के लिए, उसके सौंदर्यीकरण के लिए, उसकी सफाई के लिए, अगर इनसे हम शुल्क, इन्हीं के द्वारा दी गई शुल्क, आज तक कोई तकलीफ नहीं हुई। अचानक इस साल हमारा कोई पैसा नहीं बढ़ा है, जो पिछले साल दिया है उन्होंने वही दिया है इन्होंने, केवल 20-22 लोगों के उकसाने पर 70 लोगों ने कोर्ट में दाखिल किया, जबकि मेले की संख्या मेले में 250 से ऊपर होती है दुकानदारों की, और उसको किसी प्रकार से पॉलिटिकल बनाने की गरज से कि मामला हाईलाइट हो, इसमें नेताओं का स्तर चमके, इसलिए उन्होंने किया, क्योंकि मैं किसी पार्टी विशेष का नहीं हूँ, तो हर पार्टी के नेता हमारे ऊपर दबाव डालते हैं, उनको यही चीज नजर आती है कि यहाँ एक अच्छा माप हमको मिल जाएगा। एक शुद्ध रूप से राजनीतिक है, कोई कोई एक कागज भी उनके पक्ष में नहीं है, सारे रकाब हमारे पर हमारे हैं, हमारे खरीदी हुई परचेज की हुई जमीन है, हमारी भूमधरी है, संक्रमणी भूमिधर में सारे अधिकार मेरे पास है, राइट है, जमींदारों ने जो लिखा है, जमींदारों ने लिखा उसमें इन्होंने जिक्र कर दिया कि देवी की पिंडी है और ये मेला लगता है, इसका सारा हक आप हुआ। गोरखपुर न्यूज से बात करने के लिए ओम प्रकाश जी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी, आप बहुत बहुत धन्यवाद।